हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल हजार्ड। स्ट्रक्चरल हजार्ड होते क्या है, कैसे वो क्रिएट होते हैं एंड हाउ वी कैन स्टॉप देम, ये तीनों चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाइज इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें ताकि आपको सारे पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले, व्हेन मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस नीड द सेम रिसोर्स, सिंपल सा मीनिंग है। स्ट्रक्चरल हजार्ड का मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर रही है कौन, इंस्ट्रक्शंस। जैसे रिसोर्सेज का अगर हम बात करें, मेमोरी है, मेमोरी के अंदर कैश मेमोरी है, रैम है, डिफरेंट काइंड ऑफ रजिस्टर्स हैं, हमारे पास ALU है, कॉमन बस है, इन सारे रिसोर्सेज को मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस क्या कर रही हैं, एक्सेस कर रही हैं, एग्जीक्यूट होने के लिए वो एक्सेस करती हैं। अब जब हमारे पास नंबर ऑफ रिसोर्सेज हो लिमिटेड और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो काफी ज्यादा, तो ऑब्वियसली वहां पे कॉन्फ्लिक्ट अक्कर हो सकता है। अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है 10 एंड नंबर ऑफ रिसोर्सेज भी है 10, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ रिसोर्सेज है। लेकिन ऑब्वियसली इस केस में क्या होगा, कॉस्ट हमारी बहुत ज्यादा होगी। जितनी इंस्ट्रक्शन उतनी ही रिसोर्सेज को अगर आप लेके चलोगे तो आपकी कॉस्ट जो है सिस्टम की बहुत ज्यादा होगी, जिसको कोई परचेज नहीं कर पाएगा। एक सिंपल से एग्जांपल से अगर हम बात करें, लेट से कि अगर हम एक हॉस्टल का एग्जांपल लें, हॉस्टल के अंदर लेट से 100 रूम्स हैं। अब 100 रूम्स में हर एक रूम में अगर दो दो लोग रह रहे हैं, 200 लोग हैं, और जनरली हॉस्टल के अंदर क्या है, लाइक 10-20 वॉशरूम्स हैं। अब 10-20 वॉशरूम्स हमारे रिसोर्सेज हैं और 100-200 जितने स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, इंस्ट्रक्शंस। तो ऑब्वियसली सेम नंबर ऑफ रूम एंड सेम नंबर ऑफ वॉशरूम तो आप होंगे नहीं, तो उस केस में क्या होगा, रिसोर्सेज का कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है कि अगर एक बंदा उस टाइम पे वॉशरूम में कपड़े धो रहा है तो दूसरा उस टाइम पे अगर बोलेगा कि मुझे नहाना है, तो ऑब्वियसली अगर कोई और रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट टक्कर होगा। तो आप इक्वल नंबर ऑफ रिसोर्सेज तो कभी कर ही नहीं सकते, उस केस में सिस्टम की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो स्ट्रक्चरल हजार्ड जो है वो जनरली तभी अक्कर होते हैं जब हमारे पास रिसोर्सेज कम हो या लिमिटेड हो, जो हमेशा रियल लाइफ सिनेरियो में होगा ही होगा, एंड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा हो। तो लेट्स से इंस्ट्रक्शन को हमने फेच किया, कोई भी एक स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रक्शन 1 से, इंस्ट्रक्शन को हमने फेच किया, इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया, एग्जीक्यूट किया, जो हम जनरली 5 स्टेज पाइपलाइनिंग में करते हैं। तो 5 स्टेजेस हमारे पास है यहां पे, इंस्ट्रक्शन फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, लेट्स से मेमोरी लोड एंड स्टोर अगर हमें करना है, और हमारे पास लास्ट स्टेज है राइट बैक, रिजल्ट्स को हमने राइट बैक करना है। तो क्लॉक साइकिल 1, 2, 3, 4, 5 में हम ये काम कर रहे हैं। अब लेट से इंस्ट्रक्शन 2 आई, इंस्ट्रक्शन 2 ने क्या करना है, ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन को हम फेच करेंगे, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेंगे, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, इंस्ट्रक्शन को मेमोरी अगर चाहिए लोड एंड स्टोर करना है तो वो करवाएंगे, एंड फाइनली अगर राइट बैक, ऑब्वियसली राइट बैक तो होगा ही, सारे रिजल्ट्स को हम राइट बैक कर देंगे। ऐसे ही लेट से i3 आई, हम एक सिंपल सा पाइपलाइनिंग का ही एग्जांपल ले रहे हैं जो हम ऑलरेडी पाइपलाइनिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया, एग्जीक्यूट किया, मेमोरी अगर चाहिए तो मेमोरी हम उसको देंगे, और लोड एंड स्टोर करने के बाद अगर जो भी रिजल्ट हमें राइट बैक करने है राइट बैक। ऐसे ही लेट से अगर हम i4 इंस्ट्रक्शन की बात करें, तो i4 को भी मैंने क्या किया, फेच किया, इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया, एग्जीक्यूट किया, मेमोरी, एंड फाइनली हमारे पास क्या है, राइट बैक। तो ये 6th क्लॉक पल्स में ये हो रहा है, 7th क्लॉक पल्स में ये हो रहा है, एंड 8th क्लॉक पल्स में आप कह रहे हो ये काम हो रहा है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं। अब इस इंस्ट्रक्शन में अगर हम ध्यान से देखें, इस पाइपलाइनिंग में क्या हो रहा है, लेट से हम यहां पे क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहे हैं। आप क्लॉक साइकिल 4 पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्लॉक साइकिल 4 में हम क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन 1 को हम बोल रहे हैं कि अगर तुमने मेमोरी में कोई भी लोड करना है, मेमोरी से अगर कुछ स्टोर करनी है वैल्यू, लोड एंड स्टोर करने के लिए हम मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, और यहां पे हम मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन 4 को फेच करने के लिए। यानी दोनों काम किसमें हो रहे हैं,
सेम मेमोरी में हो रहे हैं। तो इस केस में ऑब्वियसली क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट अकर होगा, या तो ये काम होगा या ये काम होगा, क्योंकि सेम रिसोर्स है लेकिन दो लोग उस रिसोर्स को यूज करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इस केस में क्या होगा, या तो हम बोलेंगे यहां पे स्टॉल क्रिएट होगा। स्टॉल का मतलब क्या है, हम इस ऑपरेशन को नहीं परफॉर्म करेंगे, हम यहां पे इसको बबल बना के, मतलब इसको हम यहां पे नो ऑपरेशन करके हम इसको या तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं कि भैया नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आई फॉर इस क्लॉक पल्स पे, मतलब 5 पे स्टार्ट हो जाए। तो देखो 5 पे इंस्ट्रक्शन को हम फेच कर रहे हैं, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी मेमोरी हो रही है यहां पे, तो कहीं ना कहीं आप अगर स्टॉल क्रिएट करते भी हो तब भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होगी। और जितने स्टॉल क्रिएट करोगे ऑब्वियसली, यानी उस क्लॉक साइकिल में आप कुछ नहीं कर रहे। स्टॉल का मतलब क्या है कि इस क्लॉक साइकिल में आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे। तो हमारा जो पाइपलाइनिंग का एम क्या है, CPI 1, हमेशा याद रखना, दैट इज क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन हम 1 चाहते हैं। तो वो कहां से होगा, हर एक क्लॉक पल्स में एक इंस्ट्रक्शन हम चाहते हैं एग्जीक्यूट हो जाए, तो ये हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्टॉल क्या करेंगे, परफॉर्मेंस को हैम्पर करेंगे, उतना ही यहां पे अननेसेसरी क्लॉक पल्स आपके वेस्ट होते जाएंगे। तो यहां पे सिंपल से एग्जांपल देखो, तो यहां पे मेमोरी को हम क्या कर सकते हैं, या तो हम एक सिंपल सा सॉल्यूशन दें, जैसे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में हम क्या कह रहे हैं कि मेमोरी एंड इंस्ट्रक्शन हमारी सेम मेमोरी में, मतलब जो डेटा है और इंस्ट्रक्शन है वो सेम मेमोरी में होना चाहिए। लेकिन हम हार्डवायर्ड आर्किटेक्चर को यूज करें तो हम कह सकते हैं कि ठीक है भैया, इंस्ट्रक्शंस के लिए हमने डिफरेंट एरिया दे दिया, अलग से मेमोरी बना दी, और जो हमारे पास डेटा है उसके लिए हमने अलग से मेमोरी, तो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है वो हमने अलग एरिया पे रख दी, अलग एड्रेस पे रख दी, और डेटा जो भी एक्सेस कर रहे हो वो अलग लोकेशन पे अलग एड्रेस पे रख दिया। तो कह सकते हो आप इस केस में कि ठीक है, जब आप मेमोरी में कुछ भी वैल्यू को, डेटा को एक्सेस कर रहे हो, तो ठीक है आप ये एक्सेस कर लोगे, और जब आप इंस्ट्रक्शन को फेच करोगे तो आप ये वाले एड्रेस पे जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन Obviously, कोई एक प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, एक रिसोर्स की बात नहीं कर रहे, मल्टीपल रिसोर्स है। लेट्स से कि अगर हम नेक्स्ट में देखें, तो यहां पे हम इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर रहे हैं और इस इंस्ट्रक्शन को हम राइट बैक कर रहे हैं। राइट बैक करने का मतलब है, लेट्स से कि अगर मैं सिंपल से एग्जांपल से देखूं, एड R1 R2, मतलब R1 प्लस R2 किया और उसकी वैल्यू को R1 में स्टोर कर दिया। अब मतलब मैं एक रजिस्टर को यहां पे एक्सेस कर रहा हूं, रजिस्टर में हम डेटा को राइट कर रहे हैं जो भी फाइनल आउटपुट आई, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम किसी ना किसी रजिस्टर को क्या कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन को फेच करने के बाद डिकोड किया, डिकोड करने के बाद मुझे पता लगा कि मेरा जो ऑपरेंड है वो उस पर्टिकुलर रजिस्टर पे पड़ा है। तो मतलब हम रजिस्टर्स को एक्सेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहां पे भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल सेट ऑफ रजिस्टर्स को रखना पड़ेगा। ऐसी कॉमन बस की बात करें तो कॉमन बस भी हम यहां पे यूज कर रहे हैं, वो भी मल्टीपल टाइम एक्सेस हो रही है। ALU की बात करें तो जब हम इंस्ट्रक्शन को लेट्स सी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूट करने के टाइम एंड इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर रहे हैं, तब भी हमें कहीं ना कहीं ALU के साइकिल्स की जरूरत पड़ेगी। और जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं ऑब्वियसली वहां पे भी मेरे को एडर, सबट्रैक्टर या शिफ्ट जो भी मेरे को काम करना है। तो मल्टीपल रिसोर्सेज को जब हम सेम टाइम पे एक्सेस कर रहे हैं, अलग अलग बंदे, तो वहां पे मेरे जो क्रिएट होती है दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चरल हजार्ड, और उसकी वजह से हमें स्टॉल या तो क्रिएट करने पड़ेंगे, लेकिन उससे सिस्टम की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हैम्पर हो सकती है। तो उस केस में या तो हमारे पास एक सिंपल सा सोल्यूशन है, रिसोर्स की डुप्लीकेशन, आप मल्टीपल रिसोर्सेज को लेके आओ, रिसोर्सेज को डुप्लीकेट कर दो, या तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, या फिर दूसरा सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को भी पाइपलाइनिंग में यूज कर लो। जैसे हम इंस्ट्रक्शंस को पाइपलाइन में यूज कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज को भी पाइपलाइनिंग में अगर यूज करें तो उस केस में भी, लेकिन इससे जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो पूरी कॉम्प्लेक्सिटी यहां पे इंक्रीज हो जाएगी, पूरा का पूरा सर्किट यहां पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को रीनेमिंग कर सकते हैं। रीनेमिंग का मतलब क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि कैसे हम रीनेमिंग मेथड से इसको कर सकते हैं। या फिर हम ऑर्डरिंग कर सकते हैं, ऑर्डरिंग चेंज कर सकते हैं, मतलब जहां पे भी जो, लेट्स से कि अगर i4 ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो हम i4 को लेटर ऑन एग्जीक्यूट कर लें, पहले कोई और इंस्ट्रक्शन को हम ब्रांच करके कोई और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लें। तो ये मल्टीपल मेथड्स हैं स्ट्रक्चरल हजार्ड को रिमूव करने के लिए। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, स्ट्रक्चरल हजार्ड होता क्या है, कैसे क्रिएट होता है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपने माइंड में रखने, क्योंकि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या फिर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के पॉइंट से बात करें, तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।